हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गाइस, आज की वीडियो में आपके सामने जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ उसका नाम है इस्टाप्राइड M2 टैबलेट। यहाँ दोस्तों, जो इस्टाप्राइड M2 टैबलेट है ये बिलोंग करती है एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन से, यानी कि जो दवाइयाँ शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ये उसका टेक्निक ड्रग है। इसमें दो टाइप की मेडिसिन मिली हुई है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। जो टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ जो हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है डायबिटीज़ पेशेंट में और उन्हें बीमारियों से और आने वाले साइड इफेक्ट से बचाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो दो है, पहला है ग्लिमेप्राइड, दूसरा है मेटफॉर्मिन। ये टैबलेट आपको जब भी लेना है थोड़ा बहुत कुछ खा के लेना है, इसको रेगुलर एक फिक्स टाइम पे लेना है, जिससे कि इसका बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिल सके। आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितनी डोज लेनी है और उसको कैसे चेंज करना है, तो डॉक्टर कंसल्ट से ही इस दवा का इस्तेमाल करें और इस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेते रहें। भले आपको लगे कि हाँ शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, अगर डॉक्टर बोले तभी इसका इस्तेमाल बंद करें। और साथ ही साथ इस दवा के बेहतर अच्छे रिजल्ट के लिए, बीमारी से बचने के लिए, आप दवा के इस्तेमाल के साथ साथ अपने खान पीन को अच्छा लगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें, जिससे कि आप अपने जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से कंट्रोल करके रखें। और इस दवा को जब लेते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इस्टाप्राइड M2 टैबलेट के, जैसे कि सब में पहला जो साइड इफेक्ट सभी एंटी डायबिटिक मेडिसिन का होता है वो है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया अचानक से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी कांपने लगती है, बहुत पसीना होता है, सर दर्द होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप शुगर लेवल से भरपूर, ग्लूकोज लेवल से भरपूर कोई ऐसी चीज़ का सेवन कर लें जिससे कि आपको जो ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ब्लड शुगर जो एकदम लो हुआ है, वो कंट्रोल हो जाए। उसके लिए आप कोई भी ऐसे शुगरी कैंडी फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना शुगर लेवल रेगुलर तरीके से चेक कराते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपका शुगर लेवल एक्चुअल में है क्या। अदर साइड इफ़ेक्ट में इसमें सर दर्द, मतली, डायरिया ये सब देखने को मिलता है, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। धीरे धीरे जब दवा को बॉडी अडॉप्ट कर लेती है तो ये साइड इफ़ेक्ट खुद ही चले जाते हैं। इसको जब भी आप लें तो अच्छे से कुछ खा पी लें, टैबलेट को तोड़ना चबाना बिल्कुल भी नहीं है और इसको डायरेक्ट आपको खा लेना है। ग्लिमेप्राइड जो है वो एक सल्फोनाइल यूरिया है, जिसका काम होता है जो बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट उसको बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। मेटफॉर्मिन एक बायोग्यूनाइड है, जिसका काम होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन जो लीवर से होता है उसको कम करता है, जिससे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिले हो सके इंटेस्टाइन में और बॉडी में इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ सके। तो ओवरऑल दोनों दवाइयाँ ही मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ाकर जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल रखती है, जिससे कि आप फ्यूचर में होने वाले मेजर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि जो ब्लाइंडनेस हो जाती, किडनी डैमेज होता है, नर्व की प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम से आप बच सकें और हेल्दी और फिट रहें। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस्टाप्राइड M2 टैबलेट पर। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना या बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रोडक्ट के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।